लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज गंगा दशहरा के पावन शुभ अवसर पर हर साल की तरह आज भी माँ लक्ष्मी को चुनर चढ़ाई जाएगी और उसके बाद वो चुनर आप सब में से किसी एक भक्त को भेंट के स्वरूप में मिलेगी। अब देखते हैं कि वो परम सौभाग्यशाली भक्त कौन है जिसके हाथ लगता है माँ का आशीर्वाद। लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की। लो आ गई तो भक्तो तैयार हो जाओ। अब देखते हैं माँ का ये प्रसाद किसके भाग्य में है। देखो कैसे दौड़ी जा रही है, हर साल इसी को चाहिए होती है चुनरी। किसी का नंबर लगने ही नहीं देती है, पता नहीं किसके लिए चाहिए होती है चुनरी। अरे यार चुनरी तो गई। क्या कर रही सविता? जला लिया अपना हाथ एक चुनरी के लिए? ऐसा क्या है चुनरी में? आशा, उम्मीद है इस चुनरी में कि मेरी लक्ष्मी माँ वापस जरूर आएंगी। आज ही के दिन 7 साल पहले मैंने अपनी पोती को खोया था। वो क्या चली गई मेरी जिंदगी से, लक्ष्मी माँ भी रूठ गई। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरी श्री घर वापस जरूर आएगी, लक्ष्मी माँ भी वापस आएंगी। बस उस इंतजार में हर साल इसी दिन मैं अपने घर को इस चुनरी से सजाती हूँ। दामाद जी, सासू माँ, गेस कीजिए कौन आया? इतने दिन से जिसका आप इंतजार कर रही थी वो आ गई, आपकी पोती आ गई है। क्या, मेरी पोती आ गई? मैं अभी आ रही हूं। पेट्रोल भी अभी खत्म होना था, घर पे मेरी पोती मेरा इंतजार कर रही है और मैं यहाँ। मुझे जल्दी घर जाना होगा।
आ गए मेरी बिटिया। अरे मेरी बिटिया आ गई शिमला से तू। दादी की याद आई कि नहीं? क्यों? कितनी गंदी बदबू आ रही है आपसे। सॉरी मेरी राजकुमारी, मुझे पता चला तू आ गई है तो मैं भागी चली आई, तो पसीना पसीना हो गई थी। सॉरी। हाँ हाँ मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मायरा को ऐसे पसीने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। क्या ऐसे पसीना टपक रहा है? वाह माया जी, आपको दादी का पसीना दिख रहा है लेकिन दादी का पोती के प्रति प्यार जो टपक रहा है वो नहीं दिख रहा है। समदन जी, क्या समदन जी, आप हर बार ऐसे ममता भरी एंट्री क्यों मारती हैं? I mean, कभी तो नॉर्मल रहा कीजिए। कब चुनानी? ओ कब पायोगलो बच्चों? जा क्या किया, क्या किया दिखाओ, क्या हुआ? ओ कपड़े खराब हो गए। क्या सविता जी, बच्ची के कपड़े खराब कर दिया आपने? अब कौन साफ करेगा, कौन धोएगा? मैं धो दूंगी। मेरी बेटी का तो ध्यान नहीं रखा आपने। आपके होते हुए दो दो बच्चे खोए मेरी बेटी ने। सो प्लीज मायरा से दूर रहिए, ओके? आप क्या बोल रही है मेनका जी, मायरा पोती है मेरी। रियली? तो बताइए आपने आपकी पोती के लिए क्या किया? अरे बताइए क्या ना सविता जी, पूरा दिन भगवान के नाम की माला जपने से मायरा नहीं मिली है हमें। IVF पे पानी की तरह पैसा बहाया है मैंने, तब जाके मेरी मायरा मिली है मुझे, तब जाके नानी बनी हूं मैं। आप तो मुफ्त में दादी बन गई। चल जा जा जा, खेल गो प्ले। अरे वाह, अभी भी इस घर में फूल दिए ये सब कुछ आ रहा है। क्या सविता जी, आपकी लक्ष्मी माता आपको कब की छोड़ के चली गई? हालत तो देखिए आपकी, क्यों फिजूल में पैसे वेस्ट कर रही है? फिजूल नहीं है, मेरी श्री के लिए। आज 7 साल हो गए उसे गए हुए, बस उसी की याद में हर साल मैं ये पूजा करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो जरूर वापस आएगी। सविता जी, हाउ स्वीट। सेंटी हो गई मैं। ओफो, कितना काम पड़ा है घर में। मैं सारा काम करके गई थी, बस झाड़ू लगाना बाकी है। अच्छा सुनिए, काम कीजिए, ये घर की साफ सफाई करने से पहले खुद की जरा साफ सफाई कीजिए, बहुत स्मेल आ रही है। बैठे बैठे आराम करने वालों को नहीं, तो आप इस घर में जो मुफ्त की रोटियां। मामा छोड़िए ना। मम्मी जी आप एक काम कीजिए, आप ना हम सबके लिए मस्त अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आइए। चाय के बाद झाड़ू भी तो लगाना है, और झाड़ू कैसे लगती है? ऐसे। मायरा ऐसे। अरे ऐसे मायरा ऐसे लगा। जा बेटा।
मायरा से कंपटीशन करेगा? कंपटीशन करेगा मेरी मायरा के साथ? सुन, मायरा मेरी नाती है, ये घर है ना उसका है। तुम और तुम्हारे पापा तो यहाँ चैरिटी में रह रहे हैं। एक तुम्हारी माँ वो आदिति, उसके टूर्स खत्म ही नहीं होते। दूसरे तुम्हारे मामा जी वैभव इंदौर में बैठ के आराम से ऐश कर रहे हैं, और तीसरे तुम्हारे नाना जी जो अपने कमरे में पूरा दिन पड़े रहते हैं, बाहर निकलते नहीं। फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तुम सब मूर्खों को, समझे? मुझे झाड़ू लगाएगा तू? हाँ हाँ मुझे लगाएगा। बड़ी इतनी हिम्मत बहन का जी? बच्चा है वो, और बच्चे वही करते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। जैसे मायरा आपको देख के सीख रही है। आपके दामाद जी की जुबान बहुत ज्यादा चलती है ना सविता जी? जरा ताला फिल्टर सिर्फ कुछ लगाइए, वरना अगर इस छोटू ने वापस कुछ किया ना, तो बाप और बेटा दोनों को इस घर से आउट कर दूंगी। दामाद जी, ध्रुव को अंदर लेके जाइए। जी चलो बेटा। चाय। आजा मेरा बेटा आजा। अरे अब, अब। पापा ने क्या सिखाया? कुछ भी हो जाए, अपने हंसी का डोज कभी कम नहीं होने देना। पापा, हम अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? घर जा सकते हैं बेटा, लेकिन अगर हम घर चले गए तो नानी कैसे अकेले रहेगी? अभी देखो मम्मी भी बिजी रहती है, वैभव मामा भी बाहर है, और नानू का तो पता है ना, ऐसे में हम चले गए तो नानू और नानी अकेले पड़ जाएंगे, इसीलिए। और नानी तुमसे कितना प्यार करती है। पर मुझे मिंदा आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो नानी को डांट लगाती है। उनको डांट कोई क्यों नहीं लगाता, वो सबको ऑर्डर देती है। बेटा बेटा उनके नहीं, सब ऊपर वाले के ऑर्डर से होता है। शायद यही माँ लक्ष्मी की इच्छा है, भगवान अपने भक्तों को मुश्किल समय कुछ सिखाने के लिए देते हैं, ताकि वो अपने विकारों को और अपनी कमियों को सुधार सके। मेनका आंटी बुरी नहीं है, बस बाकी सब की तरह उनकी भी कुछ कमियां हैं, तो उनके बारे में गलत मत सोचना। बुरे वक्त में उन्होंने ही तो हमें सहारा दिया था। नानी, ये माँ लक्ष्मी कौन है? वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? खुशियों का खजाना है लक्ष्मी माँ, सारी समस्याओं का समाधान है लक्ष्मी माँ, एक वही है जो सब ठीक कर सकती है। लड़की खीर क्यों ली? रख रख रख, अरे वो माता लक्ष्मी का प्रसाद है, रख। अरे अरे कहां भागी जा रही है? अरे पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए खीर लेकर, बस करने जाने पाए, नाक में दम करके रख दिया आश्रय गृह। कहां चली गई ये चुटकी? अरे सुनो, लड़की यहाँ पर छुपी हुई है। अरे क्या बात कर रहे हो बच्चिया? अरे यहाँ है भाई। ए, बच्ची इधर है, आ जाओ आ जाओ। पूरी पंडित जी, हाँ पकड़ो, कहाँ गई वो? रही हाँ, पकड़ो, कहाँ गई, कहाँ गए पूरी पंडित जी? अरे अरे गायब हो गई, वो रही।
कहाँ चली गई? अरे कहाँ चली गई? वो रही। वो रही। आगे तालाब। अब कैसे बचेगी हमसे? चलो। फिर हाथ से निकल गई पंडित जी। ये बच्ची है कोई जादू? अब तो इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। चलो। आशा, तुम आ गई? सौभाग्य की सौगात देने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली महालक्ष्मी ही तो है। अरे वाह, तुम हमारे लिए फिर से खीर लेकर आ गई। हाँ। ये। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। पहले तो हमें मिलती ही नहीं थी। प्रसाद की लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता था। जब तक हमारी बारी आती सब कुछ खत्म हो जाता था। कैसे नहीं लाती? लक्ष्मी माँ के प्रसाद पे तो सबका हक होता है। तुम्हारी खीर कहाँ है? तुम नहीं खाओगी? मैं और खीर ना खाओ। मेरी फेवरेट है। और खीर तो लक्ष्मी माँ की फेवरेट है। ऐसी है, जो लक्ष्मी माँ की पसंद है वही मेरी पसंद है। एक ही बात है। क्या हुआ आशा? तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है ना? वो भी तुम्हें बहुत प्यार करती होंगी। माँ तो बहुत प्यार करती थी मुझसे। तुम एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई श्रेया। एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना। तुमसे हुई नहीं हुआ ना? अब आपके दर पे मैं कभी नहीं आऊंगी। आज से, अभी से कोई नाता नहीं है मेरा आपसे। कब मिलोगी मुझे माँ? बहुत याद आती है आपकी और दादी की। कब मिलोगी मुझे माँ? बहुत याद आती है आपकी और दादी की। क्या हुआ भाई? ट्रैफिक जाम है सर। एक दिन मेरी श्री जरूर वापस आएगी और इस घर का सौभाग्य वापस लाएगी। बस इसी उम्मीद में जी रही हूं। सालों से इंतजार कर रही हूं।
आप साक्षात जगत जननी, संपूर्ण संसार की माँ है, समस्त प्राणियों पर अपना प्रेम और ममता बरसाती है, और आपका अपना ही अंश अपनी माँ के प्रेम से वंचित रहेगा। बात केवल प्रेम पाने की नहीं है बस, माँ का प्रेम तो प्रत्येक शिशु के लिए आवश्यक होता है, किंतु यहाँ एक स्त्री का तिरस्कार हुआ है, उसके सम्मान को ठेस पहुंची है। परिस्थितियां समय के साथ ही बदलेंगी वंस, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन सविता और श्रेया साथ मिलकर श्री को पुकारेंगी, उस दिन इनका शुभ मिलन अवश्य होगा। शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ।